सो गाइस नवे ब्लॉग से तुहाडा स्वागत है। अज असी जोशीमठ तो लैके दमदमा साहिब तक की चैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस तो अगे केदारनाथ जा मोड़ है। देखते हैं कि अज दिन असी उतों निकल के उतों पहुँच के तो नैक्सट डे उतों केदारनाथ निकलते हैं। सो गाइज असी चार दिन पहले मैं इधर ही निकलिया सीगा ये रोड तो जस्ट हूँ असी अगे नूं जा रहे हैं जस्ट इतने आर्मी का ऑफिस है। ऑफिस के बाहर इतने सारा कुछ दसया जाता कि केड़ा रोड ब्लॉक है, रोड स्टेटस रोज का पै जाता जी, ओपन है ब्लॉक सारा कुछ दसया जाता, रेड और ग्रीन दे विच पता चलता वा केड़ा रोड है। आप जा रहे अगे नूं हुण देख गाइस खूबसूरत आबादियाँ, पानी ठंडा झरना और इधर से पहाड़ी पानी चौरा ऊपर से, तो हम जा रहे हैं आगे। देखते हैं कहां तक की लिफ्ट मिलेगी, कहां तक जाएंगे। रुद्रप्रयाग तक जाना हमने गाइस, पैदल तुर के इन्ना बढ़िया सुकून मिलया। देखो गाइस हरियाली ऑक्सीजन देख सकते हैं, हैलंग 11 किलोमीटर है गया गाइज। इसका नाम है जोगी फॉल और यहाँ देखो नहाने के लिए कैसे आते हैं लोग। तो ठीक है गाइज मिलते हैं। गाइज देखो रोड पे ऐसे जाम लगता है और ये देखो ऐसे गाड़ियाँ होती हैं निकलने वाली। इसमें दिखाता हूँ ये देखो कितना बड़ा जाम लग गया इसके कारण। गाइज ये ओहो रोड जिस थान पर शेर ते भालू दिखाई देते हैं, तो असं पैदल जा रहे इस रोड तो इस टाइम, क्योंकि वो रात वेले ही दिखाई देते, रात वेले थले आते पता दिन वेले सड़क चलती होंगी है, देख सकते हो। सो गाइज चमोली तक लिफ्ट मिल चुकी है, तो अगो देखते हैं चमोली चले गाइस। यहाँ की ड्राइविंग देखो करनी कितनी औखी है, और जस्ट जैसे मैंने उस दिन की थी गाड़ी चलाकर आज भी देखो कितनी औखी है। और ये भैया गाड़ी चला रहे हैं, इनकी बड़ी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी भैया ये? ट्रक है, 15-12 ट्रक गाइस, 15-12 ट्रक है ये टाटा का, तो ये चला रहे हैं बड़ा। ये देख कितनी हो, यहाँ बहुत दिक्कत है ड्राइविंग करने में, जो यहाँ के लोकल है वो ही कर सकते हैं, बाहर का दिक्कत है उसको, क्योंकि वो ठोक देगा किसी किसी में। ये देखो गाइस भाई ये है गाड़ी जिसमें मैं आया हूँ चमोली तक जाऊँगा। भैया इस गाड़ी में क्या लेकर आते हो आप? कुछ भी राशन सिमट कुछ। अच्छा जो भी माल मिल जाए, जो भी माल मिल जाए। सो गाइस अभी तो ये रोटी खाने वाले हैं, तो ये गाड़ी से मैं आया हूँ, ये देख सकते हो पगली का दीवाना गाइस। यहाँ खाने पीने का ऐसे मिलता है, आप देख सकते हो ये ऐसे लगाते हैं यहाँ खाने पीने के लिए। गाइस एक और चीज़ देखिए, ये देखो ये कैसे बांध के एलईडी रखी इन्होंने, ये देखो तारे लगाए हुए हैं। अंकल ये चलती है एलसीडी? लाइट नहीं है। अच्छा अदर चलती है ना बस। गाइस देखो ऐसे बांधते हैं ये, अगर खुल जाए तो। इसको हटा देते हैं, अगर बारिश होगी तो खाली है अंदर। धूप की बात है ना, बॉम्ब एक सेकंड। गाइस ये देखो
कितनी हरियाली है यहाँ पे, खूबसूरती है ये आप देख सकते हो। ये 5 मेगापिक्सल है, फुल HD है, 4K। हमने ये काम भी किए, मैंने बैठने को बैठने भी बहुत है, जम्मू कश्मीर जाते वहाँ नहीं, इसी कारण तो इसी रोका बना रखा है। सो गाइस चमोली आ गए, तो जस्ट 50 किलोमीटर का सफ़र तय हो गया फाइनल। इस तो अगे चल रहे हैं हम इधर साइड, जस्ट रह गया 120 किलोमीटर, तो हम बस तैयारी है 120 किलोमीटर सफ़र पूरा करने की। टाइम हो गया 2:03 घूमने। सो गाइस ये उस तरफ जाने का रास्ता केदारनाथ की ओर, और ये चमोली से निकलता है। आप देख सकते हो कितनी तेज पानी बह रहा है नीचे, अगर कोई गिर गया तो समझ लो वो चला गया पानी के साथ बहकर। यहाँ के लोकल लोग हैं, आप देख सकते हो उत्तराखंड की गाड़ी, और यहाँ मौसम ठंडा है। जस्ट मेरे को तो ठंड अभी नहीं लग रही, आगे देखता है लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि हमने उधर को जाना है गोपेश्वर से चौपटा, और यहाँ से मात्र 120 किलोमीटर है केदारनाथ। तो हम देखते हैं आज पहुँच जाए तो अच्छी बात है, तो कल पहुँचेंगे, आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि कल से चढ़ाई चालू करनी है तो हमें आज ही जाना होगा। तो यहाँ पानी पानी हुआ पड़ा है, आप देख सकते हो पानी कितना है, ऊपर से आ रहा है पानी, देखो झरना, और ये पानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, कितना तेज पानी ऊपर से आ रहा है। गाइस पानी ऐसे आता है पहाड़ों से, देखो कितना तेज है, ऐसे पहाड़ों से आता है। सो गाइस कोई कह रहा है मेरे को आगे का रास्ता बंद है, तो अभी यहाँ पुलिस वाले से पूछते हैं, रास्ता बंद है खुला है। गाइस बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पर पार्किंग उल्टी है गाइस, नीचे घर है ऊपर पार्किंग है इनकी, ये देखो गाइस बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, और बहुत बढ़िया भी है यहाँ से आप देख सकते हो। तो
तो एक रास्ता गलत कह रहा है, कोई कोई सही कह रहा है, ये तो लिखा है वहाँ पे सही लिखा है, और वो कह रहे आगे बंद है, तो मैं देख रहा हूँ जस्ट जहाँ तक बंद होगा वहाँ तक जाऊँगा, उसके आगे नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि मौसम है, सूरज की ढलान हो रही है, और ये देखो लैंटर कैसे डलता है यहाँ पे, ये देख लो दिखाता हूँ आपको, एक घरों में लैंटर डलता है, ये देखो गाइस गोपेश्वर से आ रहे थे, ये देखो गाइस यहाँ पानी देखो कैसे भरते हैं, जस्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, पानी भरने का इनका अपना अलग ढंग होता है। तो अभी शाम हो रही है, जस्ट रहने का देखते हैं, जुगाड़ तो बना दिया उन्होंने, चेक करते हैं और यहाँ पानी कैसे भरते हैं, ये देखो ये देखो ये ऐसे पानी भरते हैं, गाइस देखो पानी का प्रेशर कितना तेज है, इसने बाल्टी तोड़ दी है, देखो यहाँ ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, आगे पीछे सारा पानी पानी। तो हम आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, आगे स्कूल आएगा। शाम का टाइम हो चुका तकरीबन 8 बज गए नौना बजे, तो इतने लोकल लोग है देख लो, घास वगैरह लेके जा रहे हैं, जो भी इन्हें होंगे जो इन्हें हिसाब न चलते हैं, इतने घर दिखा सकता तुम्हें, तो जस्ट अगे देख लो गुआड़ गुआर, तो इतने नेचर तो व्यू बेस्ट है देख सकते हो, तो आप चलते अगे। गाइस देखो यहाँ खेती कैसे होती है, ये देख सकते हो नीचे 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 ऊपर से नीचे नीचे ऐसे ऐसे जाते हैं, तो ऐसे ऊपर से नीचे नीचे आते हैं, ये खेती देखो गाइस हरियाली हरियाली आप देख सकते हो, सो गुड मॉर्निंग गाइस, रात को मैं सोकर उठा हूँ, सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो रात कल बहुत हो गई सी, तो कल रात के नाल साडा स्टे होना मुश्किल सीगा, बट सानू कोई भाई साहब मिले परशोत्तम, उन्हों का नाम है परशोत्तम सिंह, तो उन्होंने सानू एक बियाना मिलाया, जाने कि जस्ट उतों चमोली तो 4 किलोमीटर अगे सीगा केदारनाथ रोड पर, तो जस्ट सानू उन्होंने एक आह चीज़ ठहराया, बहुत वधिया बनाई है चीज़ देख सकते हो, अंदर मैं ये बैड लवाया छोटा जहा, तो ये उपर सुता से मैं राती, नींद मेरी पूरी हो गई, तो जस्ट रात को मोंटी सी जड़ा इन्हों का कुत्ता भी मेरे राती सुता सीगा, राती बंदर ने बहुत तंग किया, तो वह मोंटी ने पूरा ही जोर लगाता बंदर तो नहीं डरना, मोंटी इन्ना तकड़ा सीगा, दिखाऊंगा वो कुत्ता बहुत वधिया गया जस्ट घर नू, घर लग गई है, तो रात को भाई साहब से दो ड्राइवर वाले, तो ये भी देख सकते हो, तो आ देखो जी आ व्यू है इतने का जिते मैं सुता से राती जंगल च, तो बंदर बथेरे आ, तो हम तुम मिलाने उन्होंने जिन्होंने को स्टे किया रात को, तो आएगा जी उन्होंने ढाबा गाइस छोटा जहा ढाबा है बहुत वधिया, तो आएगा जी पवन भाई, क्या हाल है पवन भाई? बस बढ़िया हुआ जी, कहाँ से हो पवन भाई आप? यहीं चमोली से। चमोली से हो, यहाँ क्या करते हो आप? मैं तो दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी करते हो, तो आप यहाँ क्या लोकल आपका घर है कि पहले पीछे कहाँ के? ना ना लोकल घर है। यहीं क्यों लोकल? यहीं के। ओके, ये बिहार यूपी वाले तो नहीं है? ना ना ना। आप यहीं क्यों लोकल? तो यहाँ क्या करते हो? ये आप ढाबा चलाते हो अपना? हाँ ढाबा चलाते हैं। यहाँ कितनी गाड़ियाँ आती जाती है?
दिन की तो बहुत गाड़ी जाती है, आती जाती है। तो हर किसी को स्टे देते हो कि जिसको जरूरत है उसी को देते हो? जिसको जरूरत है उसी को देते हैं। ओके, इसके पैसे लेते हो आप? ना ना पैसे। खाने पीने के पैसे लेते हो? नहीं, खाने पीने नहीं लेते हो। आप सिर्फ स्टे करवा कर सेवा करवा कर भेज देते हो। आपके पास कितने लड़के आए हैं, कितनी लड़कियाँ आई हैं यूट्यूब पर वाले? मेरे पे कम से कम 5-6 लड़के और 5-6 लड़कियाँ आई यूट्यूब पर वाले, जिसको आपने यहाँ स्टे दिए। तो गाइज ये वही है, यहाँ पर बहुत से लड़के बहुत सी लड़कियाँ हैं या यूट्यूब वाले जिसको स्टे दिए यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा काम किया है। हम इनके लिए ये लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे, क्योंकि इनका काम अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि इनका काम थोड़ा मंदे में चल रहा है, क्योंकि इनकी सिस्टर की मैरिज थी 4-5 दिन पहले। तो हम कह रहे हैं इनकी भी हेल्प हो जाए तो इनका काम अच्छे ढंग से चले, तो हम भी कुछ हेल्प करेंगे इनकी, और आगे भी जो यूट्यूब पर आएंगे इनकी हेल्प करेंगे। तो हम गाइस आगे जाएंगे, जस्ट थोड़ी देर तक हम जाएंगे आगे केदारनाथ के रोड की ओर, आगे और देखते हैं कितनी देर तक कौन लिफ्ट देता है। आगे नीरा जंगल है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो। ये लगता उसकी होगी, ये बाइक। सो गाइस साढ़े लिए बनने वाली है मैगी, तो मैगी जस्ट बननी है। हो गया पवन भाई बर्तन धोने मैगी वाले, तो हम देखते हैं। ये देखो, ये हाथ से बनाई है पेंटिंग जेरी की, टॉम एंड जेरी वाले। यार एक तो बन गया, दूसरा दिख नहीं रहा, चूहा कहाँ है? जेरी दिखा नहीं, टॉम दिख रहा है हमको। तो हम देखते हैं, ये अभी मौसम सही हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सुबह बादल थे तो अभी सही है। अभी यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर रह गया केदारनाथ, तो हम देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं यहाँ से। ये सारा बादल ही बादल है यहाँ पे गाइस, तो हम आगे चलते हैं, आगे जाकर देखते हैं। तो हमने अपना बेड वगैरह सारा क्लियर कर लिया, ये देख सकते हो। और क्या है, रात को यहाँ सोने पे नींद भी अच्छी आई, और नींद आने के बाद बंदरों ने बहुत सताया रात को। शुक्र है कोई और जानवर नहीं है, बंदर आए, उन्होंने सताया बहुत। क्योंकि शुक्र है अंदर हूँ मैं, पता नहीं चला। ये देखो मेरे ऐसे फ़ोन चार्जर पे लगे, ये पावर पॉइंट अंदर था, बहुत बढ़िया किया इन्होंने। तो हम जा रहे हैं थोड़ी देर तक, तो ये मैगी बनाएंगे ये ट्रक वाले भाई साहब। ये भी बेचारे उठ गए सो के, तो आगे एक बड़ा पत्थर पड़ा, पत्थर हटेगा तब ये निकलेंगे। सो गाइज आप देख सकते हो, यहाँ मैं अपना मुँह धोने आया, यहाँ पवन भाई आते हैं, ये अपना मुँह धोते हैं। तो यहाँ पानी आता है झरने की जैसा, और ठंडा भी है। ये देखो, ये डड्डू देखो गाइज, इतने यहाँ डड्डू की बीमार है, इतनी बर्बाद है डड्डुओं की। ये देखो कितने यहाँ, डड्डू डड्डू है यहाँ पे। तो यहाँ पानी आ रहा है गाइस, यहाँ हम धोएंगे मुँह, तो देखते हैं गाइस मुँह धोते कैसे। गाइस हमने मुँह धो लिया, पानी इतना ठंडा है, पानी ठीक है पीने लायक है, पर पानी बहुत ठंडा है। तो हम जा रहे हैं आगे, थोड़ा सा पहले भाई मैगी बना रहे हैं पवन भाई, तो हम मैगी खाएंगे। तो यहाँ पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है। तो यहाँ देखो इतना बढ़िया है यहाँ पे रास्ता, आप देख सकते हो। भवन ढाबा बै ब्रेकफास्ट चाय पकौड़ा परांठा मैगी लंच चावल। सो गाइस बन रही है मैगी। ये पवन भाई कितने पाए इसमें पैकेट? इसमें 3 पैकेट। 3 पैकेट पाए, ये 3 पैकेट की मैगी है। ये कौन से, 10 वाले 5 वाले? 10 वाले 3 पैकेट। तो गाइस ये 3 पैकेट की मैगी है। और यहाँ का गाइस मैंने दूध देखा है, दूध थोड़ा सा ना पीलेपन में है। तो हमारे वहाँ का दूध होता है जो चिट्टा होता है, उसका मलाई भी चिट्टी आती है ना, पीलेपन में दूध जो घर के अपना हो, दूध पहाड़ी दूध। तो यहाँ से देखो गाइस गाड़ी आती जाती रहती है, यहाँ के लोग हैं आने जाने वाले, हॉर्न मारते हैं।
गाइस बन गई है मेरी मैगी और इन्होंने ये मैगी दे दी है मेरे को, गर्मा गर्म मैगी। हम खाएंगे मैगी। बारिश का मौसम हो गया गाइस, धुंध धुंध पड़ने लगी है, बादल नीचे आ गए। अगर बारिश ना होए तो अच्छी बात है क्योंकि मैंने आगे जाना है। तो गाइस ये पवन भाई ने मैगी बनाई है, देखते हैं कैसी है खाने वाली। मैंने प्लेन ही बनवाई है, मैंने प्याज वगैरह नहीं डलवाया। अच्छी है गाइस, बढ़िया बनी है। हम खाते हैं मैगी, तब तक आप जो मेरे नए चैनल पे जो मेरे को देख रहे हैं, मेरे को नए वाले गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल मोनेटाइजमेंट होगा तो मेरे को मनी आनी चालू हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी मोनेटाइजमेंट करो, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। सो गाइस असी उतों तुरे हैं, 10 मिनट तक तो मंडल पहुँच चुके हैं, तो एक दाना त्रह गया तो सारा 80 किलोमीटर। तो देखते हैं हम नैक्सट लिफ्ट कौन देना, क्योंकि गड्डी तो कोई मिली नहीं। जिस टाइम चलो गड्डिया मिलती पे सी तो गड्डिया लेट से थोड़िया, तो असं हम देखते हैं पिछले कड़ी लिफ्ट आती है मिलेगी अगे तक की, तो जित तक हम आप उत तक तुर लीए। पवन भाई ने बहुत वधिया सेवा की है, पर वो है कि मैं उन्होंने कहा पैसे दसो किन्ने अपने, पैसे मैं दे देना, नहीं उन्होंने पैसे नहीं दिते मेरे तो, क्योंकि रात में भी उन्होंने रहन भी दिता, रोटी भी खवा दीती, तो सवेरे भी मैं मैगी खाधी उन्होंने को। जस्ट उन्होंने जान लगे हूँ मैं बिस्कुट के पैकेट भी देते, कहते रस्ते काम आ सकते लैजो नाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई तुहाडा। तो गाइस ये बहुत वधिया बंदे है, इन्हां कोल बथेरे जने रात नू स्टे करन आंदे, जे किसे कोल पैसे नहीं हुंदे तुसीं ओह स्टे कर सकदे आ। ये रोड पैंदा चमोली तो केदारनाथ दे विच, 4 किलोमीटर ते पैंदा चमोली तो जदों केदारनाथ जाणा, 4 किलोमीटर तो बाद उन्हां दा रस्ता पैंदा गुपेश्वर तो, 4 किलोमीटर पैंदा टोटल पैंदा जी उन्हां दे चमोली तो गुपेश्वर टप के 10 किलोमीटर, उस तो अगे 4 किलोमीटर ते बाद पवन दा ढाबा आंदा जी बब। तो ओह तुहानूं ते दिखा भी दिता, हूँ आप अगर नहीं जा रहे हैं। जस्ट देख लो इतने कोठियाँ कि शानदार बनाई, होटल है बहुत वधिया बनया एल्फाइन। तो गाइस चलते आप अगर नहीं देखते दे। गाइस देखो ऐसे लेकर आते हैं यहाँ से बांध पे, तो हम आगे तक जा रहे हैं, शायद हमें आगे तक की लिफ्ट मिले। देखते हैं जंगल है इधर ऊपर, देख सकते हो आप। गाइस घर देखियो, ये होंगे पिंड के गांव, पिंड देख लो गाइस। ऐसा कर दिया जी गाव, तो इन्ह दे पाथियां देख लो। तो गाइस अगे चलते हैं। गाइस देखो यहाँ से पैदल जाते जाते एक रोड पे मिला है, बोर्ड लगा है यहाँ लिखा है 2 पहिया वाहन में 3 सवारी ना बैठाए, कि ये रोड रिक्सी आगे जंगल है नीरा। तो फॉरेस्ट वाले बोलेंगे, पूछते हैं शायद जाने दे, क्योंकि जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक तो पहुँचूँगा, उसे आगे 30 किलोमीटर का फॉरेस्ट है पूरा, देखते हैं गाइस 30 किलोमीटर तक का कवर। तो अब चलते धीरे धीरे। गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है, सभी पहाड़ी पहाड़ है, इधर जंगल है और इधर पहाड़ है। देखते हैं गाड़ी ऊपर आ रही है। सो गाइस एक लिफ्ट मिली है मुझे और ये भैया ने दिया है, ये आगे तक की चौपटा तक की, तो हम चौपटा तक आगे जा रहे हैं केदारनाथ के, जहाँ तक जाएंगे चौपटा तक देंगे, मतलब उसे आगे की मिलेंगे लिफ्ट। बच गए हो क्या वो जिसके ऊपर गिरा?
गाइस पत्थर गिरा है गाड़ी के ऊपर और तार भी टूट गए, पाइप भी टूट गए, गाड़ी का हाल देखो क्या हुआ। शायद बचे होंगे वो लोग जो जिनके ऊपर बची, पूरी तरह धूल धड़क्का हो गया। और आई एम फाइन है, गाड़ी गिर गया है पत्थर। गाइस ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से चौथा रह गया खाली 3 किलोमीटर और मौसम के कारण मेरे पैर ऐसे दर्द होने लग गए नीचे, क्योंकि ये देख सकते हो आप यहाँ से ऊपर से नीचे पैर का मुड़ होने का हो गया। ये देखो गाइस बंदर बैठा है यहाँ पे आराम से, और बेचारे को पता नहीं क्या हो क्या नहीं हुआ, बेचारा ठंड में तड़प रहा है अकेला, खाने के लिए कुछ दिया नहीं बेचारे को। अच्छा बंदर एक और आ गया, ये गाइस देख सकते हो बंदर ही है, तो यह बंदरों का ढेर लगा हुआ है, मेरे को ध्यान ही नहीं है बंदरों का पेड़ है यहाँ पे। शुक्र है बचा हो गया मेरा, बंदर आराम से ऊपर से देख रहे गई। ऐसे मानसून बन जाते ना ये, जैसे पता नहीं होता ये क्या है, ये आप देख सकते हो।